Hello friends, welcome back to another video on grammar. In this video, we are going to discuss about simple present tense and its uses. So friends, if you haven't subscribed the channel, please subscribe it and hit the bell icon. So let's begin. Simple present tense. We make the simple present tense using subject plus first form of the verb. सब्जेक्ट और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म या रूट फॉर्म का उपयोग करके सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल, वी ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग. हम हर सुबह दूध पीते हैं. इस सेंटेंस में वी यह सब्जेक्ट है और उसके साथ ड्रिंक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, वी डोंट ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग. हम हर सुबह दूध नहीं पीते. चलो इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. उसके लिए फॉर्मूला Do or does plus subject plus first form of the verb plus other words. Example, do we drink milk every day? क्या हम हर सुबह दूध पीते हैं? इस simple present tense का use किस तरह और कहाँ कहाँ होता है ये देखते हैं. The simple present tense is used to express a habitual action or routine. नित्य होने वाली या हमेशा होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ. यानी हर रोज सुबह 5 बजे उठना मेरा रूटीन है, नित्य क्रम है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. ही गोज टू जिम एवरी डे. वो हर रोज जिम में जाता है. यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन आती है तब मेन वर्ब को एस ई एस या आई ई एस इनमें से एक प्रत्यय लगता है. ही शी इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस है. इसलिए यहाँ पे गो इस क्रिया के बेस फॉर्म को ई एस प्रत्यय लगाकर गोज इस वर्ब का प्रयोग किया गया है. गो और गोज का अर्थ सेम है और दोनों ही वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. वी ऑफन वॉच कॉमेडी शोज. हम हमेशा कॉमेडी शोज देखते हैं. यह हमारी हैबिचुअल एक्शन है. और कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है ये देखते हैं. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स. सामान्यतः सत्य बात या वास्तविकता को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग होता है. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूरब में उगता है. यह एक ट्रूथ है, फैक्ट है जो नित्य है. यहाँ पे राइजेस यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. हनी इज स्वीट. शहद मीठी होती है या शहद मीठी है. यह भी फैक्ट है, एक ट्रूथ है कि शहद मीठी है. इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स एंड देयर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आल्सो. ही लाइक्स टू ड्रिंक टी. उसे चाय पीना पसंद है. इसका नेगेटिव होगा He doesn't like to drink tea. उसे चाय पीना पसंद नहीं है. और इंटरोगेटिव, Does he like to drink tea? क्या उसे चाय पीना पसंद है? One more example. They work for society. वे समाज के लिए कार्य करते हैं. नेगेटिव, They don't work for society. वे समाज के लिए कार्य नहीं करते. इंटरोगेटिव, Do they work for society? क्या वे समाज के लिए कार्य करते हैं? Another example. She cooks food. वे खाना पकाती है. Negative.
शी डजंट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाती. इंटरोगेटिव, डज शी कुक फूड, क्या वे खाना पकाती है. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. इन आवर नेक्स्ट वीडियोज यू विल गेट टू नो अबाउट द रिमेनिंग टेंसेस. सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय.